मैं अपने बाउंसर साहब से और जो भी मेरे अपने हैं सबसे कहूंगा कि थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, यहाँ से पीछे हो जाइए, स्टेज के कोने लास्ट तक जाइए, आप स्टेज को छोड़ दीजिए। कि अब बस कर रे कजली रहे दे दर्द देले बाड़ी हो पहले सहे दे। चलिए काजल रघवानी जी, आज मुझे लगता है कि चार बरस बाद हम लोग एक दूसरे के साथ स्टेज पे मिले। ऐसे तो हम लोग हमेशा काम के माध्यम से बॉम्बे में भी मिलते रहते हैं। अरे हेनियो बरसात, चार साल बाद मिलन भइल बा। देखिए कितना एक चीज है उमा शंकर भैया के इस कार्यक्रम में, मुझे समझ में आया। मुझे पहला ऐसा ही नेता लगे कि जाति पात से हटके धर्म से हटके सबका प्यार लेते हैं, और एक नेता की तरह नहीं एक बेटा की तरह आप सबका सेवा करते हैं। जो इस धरती पे नहीं हो सका वो सारा विधा कोशिश इनकी रहती है कि हमेशा अपने जनता के लिए क्या चाहिए, हमेशा आपके बारे में सोचने वाला कोई बेटा ही सोच सकता है, कोई नेता तो नहीं सोच सकता। तो उमा शंकर भैया मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के नेता नहीं बल्कि बेटा है और आप सबके दुलारे हैं। एक जोरदार ताली बजाइए उमा शंकर भैया के लिए। काजल जी कुछ बोलेंगी? सबसे पहले तो आप सबको दिल से प्रणाम करती हूँ, और हमारे उमा शंकर जी जिन्होंने हमें यहाँ पे आपकी सबके बीच में आने का मौका दिया, तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। आया आया सुन लीला का हो तू जख्मी है दिल बड़ो। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बस यही कहना चाहूंगी, चार साल बाद हम साथ में आए हैं तो आपके दिलों में और हम सबके दिलों में धमाल मचेगा, जो आप चाहेंगे वैसा धमाल मचेगा, है ना? कि टूट जाही राजा जी, कि टूट जाही राजा जी पलंग सागवान को, कितनी सूत दच धरिया तानिके। तो क्या करे रिकॉर्डिंग दास काजल जी के साथ कर रहे हैं, सुनो जोर से हल्ला करके बजाओ।